अस्सलाम वालेकुम। आज आलू गोश्त बना रहे हैं, आए आप भी हमारे साथ बनाएं। ये आधा किलो गोश्त है जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, छोटा गोश्त है ये। आप चाहें तो बीफ का बना लें। ये प्याज है, मिर्चें हैं, धनिया पुदीना है, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा मसाला और धनिया मसाला, और ये टमाटर हैं। मैंने ग्राइंड कर लिए थे, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने ग्राइंड किया हुआ है। तो आए चलें शुरू करते हैं। और ये दो अदद कटे हुए आलू, आए शुरू करते हैं। पैन में ऑयल डालेंगे और फिर इसमें हम प्याज डाल के उसको हल्का सा सोटे करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा प्याज अब ब्राउन हो गया है, तो जो हमने गोश्त बॉईल किया हुआ था वो इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो बिना बॉईल किए हुए डाल सकते हैं, वो मैंने स्मेल ख़त्म करने के लिए पानी फेंका है बॉईल करके, आपकी अपनी मर्ज़ी। अब जब ये इसमें हम भून लेंगे इसको थोड़ा सा तेल में, और इसमें फिर इसमें जो मसाले हमने किए थे वो हम मसाले डाल देंगे। अब मसालों के साथ थोड़ा भूनेंगे ताकि मसालों की खुशबू आने शुरू हो जाए। अब मसालों की मुझे खुशबू आने शुरू हो गई है और ये मसालों के साथ भुन भी गया है। अब हम ऊपर से थोड़ा नीम गरम पानी इसमें डाल देंगे और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखें ये गोश्त गल गया है और आप देखें इसमें कैसे ऑयल आ गया, पानी भी इसका सूख गया। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट जो हमने बना के रखा था जिसमें अदरक लहसुन भी था वो हम डाल देंगे इसमें, और इसको मिक्स करके इसको भून भून के भूनेंगे। ये देखिए ये ज़बरदस्त किस्म का भुन गया है, इसकी कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बन गई है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब जो आलू हमने रखे हुए थे काट के वो इसमें डाल देंगे और आलू के साथ अब इनको भुनेंगे। जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतने मज़े का आलू गोश्त बनेगा। ज़बरदस्त किस्म का भुनेंगे, साथ में हम हरी मिर्चें भी डाल देंगे, थोड़ा धनिया, थोड़ा पुदीना भी डाल देंगे और अब इन सबको हम अच्छी तरह से भुनेंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अच्छी तरह भुन गया है, मसाला इन सब ने अब्सॉर्ब कर लिया अंदर। अब इसमें हमने लगानी है ग्रेवी, क्योंकि मैं आलू गोश्त बना रही हूँ तो, और वो भी मैं शोरबे वाला बना रही हूँ, तो इसमें मैं गर्म पानी डालूँगी ताकि इसकी ग्रेवी घनी बने। इसको हम धीमी आंच पे जिसमें आलू भी गल जाएं और मसाला आपस में सारा मिक्स हो जाए और अच्छी सी ग्रेवी बन जाए हम इसको छोड़ देंगे दम पे। ये लें जी हमारा आलू गोश्त तैयार है, ज़बरदस्त किस्म का। ये देखें, ये लें जी आलू गोश्त तैयार हो गया है। मुझे तो बहुत भूख लगी है तो लिहाजा हम जा रहे हैं खाने के लिए। आप भी बिस्मिल्लाह करें, मैं इसको खाऊंगी वाइट चावलों के साथ, आप चाहें तो नान के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ। और चलें मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।